हेलो एवरीवन आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है मेरा नाम है केतन तो और आप सभी का रीजनिंग इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हम लोग रैंकिंग टेस्ट को पढ़ रहे हैं ठीक है और रैंकिंग टेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है जिसमें हमने तीन वीडियोस देख ली हैं यानी कि तीन टाइप्स देख लिए हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर चार को ठीक है तो तीन वीडियोस की फॉर्म में तीन टाइप्स आप तक पहुँच चुके हैं अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़िए ज़रूर देखिए उसको ठीक है और टाइप नंबर फोर को यहाँ से शुरू करेंगे एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि टाइप नंबर चार और टाइप नंबर पांच ठीक है ये जो दोनों हैं टाइप नंबर चार और टाइप नंबर पांच ये दोनों आपस में लिंक्ड है ठीक है लिंकिंग क्या होगी इनकी ठीक है अभी हम बाद में आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टाइप नंबर चार से रिलेट करता है और कौन सा क्वेश्चन टाइप नंबर पांच से रिलेट करता है ठीक है तो दोनों ही टाइप्स को ध्यान में समझिएगा ध्यान से मतलब समझना आपको और उसके बाद फिर आप देखोगे कि आपके पास कैसा क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें किस तरह से एक्सप्लेनेशन करना है मतलब कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है ऑफ कोर्स मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दोनों ही टाइप्स के लिए मैं आपको हर टाइप में ट्रिक बताता हुआ ही चल रहा हूं है ना लेकिन ट्रिक कौन से लगानी है ये भी हमें पता होना चाहिए और ये तब पता चलेगा जब हम कंसेप्ट को सीखेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं ध्यान से देखो आपसे कहा जा रहा है कि इन अ रो राम इज सेवेंथ ठीक है फ्रॉम द लेफ्ट एंड एक पंक्ति में राम का सातवां स्थान है वो भी कहाँ से लेफ्ट एंड यानी कि बाई ओर से ठीक है तो बाएं छोर से राम का सातवां स्थान है ऐसा कहा गया ठीक है एंड श्याम इज सिक्सटींथ फ्रॉम द राइट एंड तथा उसी पंक्ति में श्याम जो है वो दाई ओर से सोलवें स्थान पर बैठा हुआ है फिर कहा गया कि इफ करण ठीक है इफ करण इज सिटिंग इन द मिडिल प्लेस बिटवीन देम यदि करण जो है वो उनके बीच में बैठा है ठीक है ध्यान रखिएगा दो बातें हो सकती हैं ठीक है थेके? दोनों बातों को समझिए मान लीजिए कि यहां पर ए है और यहां पर बी है इस तरह से ठीक है मैं ब्लैक पेन यूज करता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी देखे ध्यान से एक दो तीन चार पांच मैंने पांच लोग यहां पर बिठा दिए ठीक है एक बात ये और एक बात ये हो सकती है कि ए और बी ऐसे हैं और बीच में आ गया एक बंदा दोनों ही बातों में फर्क समझिएगा एक तरफ कहा जाता है कि जो करण है करण वो इन दोनों के बीच में बैठता है ठीक है करण इन दोनों के बीच में बैठता है तो यह बात अलग होगी और अगर कहा जाए कि सिर्फ करण ही इन दोनों के बीच में बैठता है यह बात अलग है अगर बात कर दी गई कि ओनली ठीक है ओनली करण सिट्स बिटवीन ए एंड बी इसका मतलब हो गया कि यह क्वेश्चन है टाइप नंबर छ का जो कि आप अगले वाले टाइप नंबर छ नहीं टाइप नंबर पांच सॉरी अगर मैंने पांच और छ बोल दिया है तो आ, मैं गलत हूं ठीक है मैं अपने को सही करता हूँ टाइप नंबर चार और पाँच की हम बात करेंगे ठीक है मतलब चार और पाँच को रिलेट करना पाँच और छः को नहीं अगर मैंने ऐसा कहा है तो खैर कोई बात नहीं समझ लीजिए इस बात को ए और बी है और ए और बी में अगर हम बात करें तो करण कहां पर है बीच में बैठा है ठीक है तो यहां पर अगर आप देखो तो करण ही सिर्फ बीच में बैठेगा और कोई बीच में नहीं बैठ सकता जो कि आपका बनेगा टाइप नंबर पाँच और अगर हम बात करें यहां पर तो यहां पर कहा गया कि करण ए और बी के बीच में बैठता है है ना करण ए और बी के ठीक बीच में बैठता है सिर्फ ये नहीं कहा गया कि सिर्फ करण ही बीच में बैठेगा है ना और भी लोग हो सकते हैं जो करण के साथ साथ बैठ जाएं और ए और बी के बीच में बैठे इन शॉर्ट कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पर इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ ओनली कह दिया गया कि सिर्फ करण ही बीच में बैठेगा तो डिफरेंट अप्रोच चलेंगी टाइप नंबर पांच में हम उसको देखेंगे लेकिन यहां पर सिर्फ की बात नहीं करी गई ओनली नहीं लगाया गया मतलब लिमिटेशन नहीं है यहां बस ये कहता है कि करण उन दोनों के बीच में बैठता है ठीक है ना उन दोनों के ठीक बीच में बैठता है सिर्फ करण नहीं बैठता ऐसा नहीं कहा गया ठीक है यहां पर क्या कह दिया गया कि करण ए और बी के बीच में बैठता और सिर्फ वही बैठेगा मतलब सिर्फ करण जो है वो ए और बी के बीच में बैठेगा तो दोनों ही बातों में फर्क है हुँ। हम जो देखने जा रहे हैं आज टाइप नंबर चार में वो हम ऊपर वाले केस को देखने जा रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ही केसेस में जो डिफरेंस है वो अब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की अपने ध्यान से देखिएगा हमसे कहा क्या गया कि जो करण है ठीक है वो उन दोनों के ठीक बीच में बैठता है फाइंड आउट मिनिमम एंड स्टूडेंट्स ठीक है हमको minimum और मैक्सिमम दोनों ही केस लेने हैं जिससे हम इस अरेंजमेंट को कर पाए ठीक है तो अब आप ध्यान से समझेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ठीक है देखो ध्यान से अगर हम बात करें इसमें तो एक पंक्ति है जिसमें सात लोग बैठे हैं है ना जिसमें सात लोग नहीं सॉरी एक पंक्ति है जिसमें राम का जो स्थान है वो बाई ओर से सातवां है ठीक है और शाम का राइट एंड से सोलवा है तो हम एक काम ये करते हैं कि हम गिनती के सोलह लोग बनाते हैं ठीक है हम गिनती के सोलह लोग बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा मैं सोलह क्यों बनाऊंगा या क्यों बना रहा हूं इसकी बात बाद में करेंगे फिलहाल समझिए कि मैंने सोलह लोग बनाए देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह ठीक है मैंने ये सोलह लोग बना दिए और इन सोलह लोगों पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कहा गया कि राम जो है वो सातवां होता है कहाँ से लेफ्ट से तो आपको पता है ना कि ये लेफ्ट एंड होता है और ये राइट हैंड होता है सात गिनिए देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात मतलब ये जो पोजीशनिंग है लेफ्ट एंड से ये किसकी है ये राम की है और ये पोजीशनिंग है सेवेंथ लेफ्ट एंड से एक बात पूरी हुई ठीक है और फिर कहा गया कि श्याम जो है वो राइट एंड से सोलह हैं और अगर आपको याद हो तो ये मैंने सोलह बंदे बनाए हैं पूरे गिन के आपके सामने तो अगर सोलह हैं तो ऑफकोर्स राइट एंड से मतलब ये सारे सोलह हुए तो ये जो वैल्यू है ये किसकी हो गई ये ऑफकोर्स श्याम की वैल्यू हो गई ठीक है और ये श्याम की वैल्यू है तो ये सिक्सटीनथ है राइट एंड से क्लियर हो गया आपको अब आप देखो क्या बोला उसने कि फाइंड आउट क्या कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा उससे पहले एक बात बोलोगी कि करण इज सिटिंग एट द मिडिल प्लेस करण उन दोनों के ठीक बीच में बैठा है सिर्फ करण बीच में बैठा है ऐसी बात नहीं कही गई सिर्फ ये कहा गया कि करण जो है ना वो क्या हुआ है वो उन दोनों के ठीक बीच में बैठता है तो आप देखो ठीक बीच में बैठने के लिए कम से कम ऑड प्लेसेस होने ज़रूरी हैं अगर कभी दो लोगों के बीच में इवन प्लेस हैं तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति बीच में बैठा है जैसे इस बात को समझिए मान लीजिए कि मेरे पास ए और बी ऐसे बैठे हुए हैं और बीच में सिर्फ दो लोग हैं तो अगर दो लोग हैं तो मैं कोई नहीं कह सकता कि बीच में ए और बी के कौन बैठा है है ना हालांकि अगर मैथ्स के आप रूल्स लगाते हो तो वहां पर अगर एन की वैल्यू इवन होती है तो एन बाई टूएथ टर्म और एन बाई टूएथ प्लस वन एथ जो टर्म होता है वो दोनों के दोनों मिडिल टर्म्स कहलाते हैं है ना वो हम जब मीन मोड मीडियन मैथ्स में पढ़ते हैं स्टैट्स का हिस्सा होता है वो बट हमारी रीजनिंग में ऐसा नहीं है अगर हमें कभी भी इवन नंबर की बात हम करते हैं और मिडिल वैल्यू की बात करें तो इवन नंबर में हम नहीं ले सकते हैं ठीक है इस पॉइंट को ध्यान रखना ऑड पे ही बात होती है तो ऑफ कोर्स दो हैं तो भी नहीं ले सकते मान लीजिए मैं इसको चार कर दूं तो भी नहीं ले सकते छः कर दूं तो भी नहीं ले सकते तो अगर कभी किसी व्यक्ति को दो लोगों के बीच में बैठना है तो हमेशा ऑड प्लेसेज होने चाहिए उन दोनों बंदों के बीच में समझ में आया जैसा कि आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि अगर आप इस समय श्याम और राम की जो पोजीशनिंग है उनको देखें तो बीच में कितने लोग हैं मैं आपको दिखाता हूं ध्यान से देखो ये हुआ एक ये हुआ दो ये तीन ये चार और ये पांच तो देखिए ये राम था ये श्याम था बीच में पांच लोग हैं तो अगर बीच में पांच लोग हैं तो ऑफकोर्स ये वाली जो प्लेस वैल्यू होगी ये किसकी हो जाएगी बताइए ये वाली जो प्लेस वैल्यू आप देख रहे हो ये करण की हो जाएगी है ना मतलब करण बैठेगा इस वाले पे तो देखो इधर भी दो इधर भी दो छूट गए तो करण बीच में आ गया और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया ठीक है क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया तो ये कितने लोगों में हमने यूज़ कर लिया मतलब इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया सोलह लोगों को बना के और याद रखिएगा ये जो हमने सोलह लोग बनाए हैं ना ये सोलह ये जो अरेंजमेंट है बच्चों ये मिनिमम अरेंजमेंट है याद रखना ये कैसा अरेंजमेंट मिन बताओ मिनिमम क्यों मिनिमम है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कराई गई है ठीक है तो मिनिमम केस हमेशा ओवरलैपिंग का केस होता है जब भी ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा तो हमेशा आपको मिनिमम के लिए पूछेगा मैक्सिमम के लिए नहीं पूछेगा बिकॉज मैक्सिमम तो बहुत है मैक्सिमम में क्या होता है मैक्सिमम में कुछ खास नहीं है देखो मैक्सिमम में ये करना कि जो दोनों रैंक दी गई हैं उनको जोड़ के ठीक है और एक जो बंदा है ना उसको और जोड़ लेना तो आपका आंसर मतलब तीनों को आपको जोड़ देना है मतलब क्या है कि रैंक वन प्लस रैंक टू प्लस एन एन का मतलब समझ रहे हो जो वो बंदा है जो बीच में बैठा है है ना तो वो उसकी बात हो रही है अगर वो करण है तो उसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है तो एक लिख देंगे तो ये जो केस आप देख रहे हो ना ये आपको मैक्सिमम केस दे देगा क्या दे देगा बताओ मैक्सिमम दे देगा तो एक बात ज़रा मैक्सिमम भी देख लेते हैं तो मतलब अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए था तो मुझे सात और सोलह इन दोनों को जोड़ना चाहिए था सोलह प्लस सात कितने होते हैं तेईस और एक करण है तो चौबीस तो मुझे चौबीस लोग बनाने पड़ेंगे देखिए मैं चौबीस लोग बना रहा हूँ आपके सामने देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस ठीक है तो मैंने पूरे चौबीस लोग बना दिए अब आप ध्यान से क्या समझेंगे कि सातवां सातवें की अगर हम बात करें तो लेफ्ट से देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात ये जो प्लेस वैल्यू है ये राम की हो गई और ये लेफ्ट से थी ठीक है ये सेवन है राइट से सोलह देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह कोर्स ये सोलह पूरे इसे एक पहले वाली होगी वैल्यू याद रखिएगा हमेशा तो ये जो वैल्यू आ रही है ये शाम की आ रही है और ये वैल्यू है सोलह सिक्सटीन है और करण बैठ गया ठीक इन दोनों के बीच में तो आप देखो मैक्सिमम कितने लोग हो गए तो सोलह प्लस सात हो गए आपके तेईस तेईस और एक करण को मिला के हो गए चौबीस ठीक है तो इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों रैंक को जोड़ के प्लस एन एन क्या होता है एन होते हैं वो लोग जो बीच में बैठेंगे है ना तो इसको ध्यान रखना यहां पर सिर्फ करण बैठ रहा है बीच में तो हमने उस एक को ही ऐड करा है ठीक है हमेशा मैक्सिमम के केस में एन की वैल्यू वन रहेगी अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो समझ में आ गया आपको मिनिमम का केस हमने कैसे किया उस पर बात करते हैं है ना हम कैसे पहचान लिए कि आंसर 16 ही मैंने आपको बनाकर दिखा दिया और 16 पे ही हमने पूरे जो स्टेटमेंट्स कहे गए थे क्वेश्चन में वो हमने पुट करा दिए मेन बात यहां पर है ये तो आप कर लोगे मैक्सिमम केस आप हमेशा कर लोगे राइट right को जोड़ो लेफ्ट को जोड़ो प्लस एक और जोड़ दो सिंपल सी बात है वो आपको मैक्सिमम दे देगा मिनिमम के केस के ऊपर ध्यान से समझते हैं कि मिनिमम हमने 16 कैसे किया बिकॉज वही आएगा क्वेश्चन अगर आएगा तो ठीक है देखो याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो यहाँ पर हम मिनिमम रैंक को ऑब्जर्व करते हैं किसको ऑब्जर्व करते हैं बताइए मिनिमम रैंक को ठीक है हम मिनिमम रैंक को ऑब्जर्व करेंगे ठीक है अब अगर हम मिनिमम रैंक को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं हमारे सामने पहली चीज़ ये हो सकती है कि अगर मैं मिनिमम रैंक को मान लूं तो वो होगी या तो ऑड ठीक है या फिर मिनिमम रैंक जो हो सकती है उसका नेचर हो सकता है इवन मेरे ख्याल से इन दोनों के अलावा तो कुछ नहीं होगा ना ठीक है आपको ये बात खुद समझ में आ रही होगी कि अगर कोई रैंक है तो या वो या तो विषम होगी या तो फिर वो एक सम संख्या होगी मतलब अगर दी गई रैंक मिनिमम है ठीक है उसको आप देखो क्वेश्चन में जो भी मिनिमम रैंक हो अभी समझा दो मैं आपको तो मिनिमम रैंक या तो ऑड हो सकती है या तो वो इवन हो सकती है हमारे इस क्वेश्चन में देखिए हमें दो रैंक दी गई थी एक है सात और एक है सोलह तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में ही जो मिनिमम रैंक है वो कौन सी है तो आप कहोगे सर सात है सात बढ़ाएगी सोलह बढ़ाए ऑफकोर्स सोलह है तो सात छोटा हुआ तो अगर सात छोटा है तो मिनिमम रैंक हुई सात और सात जो है वो ऑड नेचर में आ गई है ना तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपकी मिनिमम रैंक ऑड होती है तो ऐसी कंडीशन में जो क्वेश्चन में दी गई हाईएस्ट रैंक है जो क्वेश्चन में दी गई हाईएस्ट रैंक है वही बच्चों आपका आंसर होता है ठीक है याद रखना ठीक है अगर क्वेश्चन में ऑर्डर जो मिनिमम uh, जो रैंक है वो ऑड है में विषम है तो जो हाईएस्ट रैंक दी गई वो आपका आंसर है इस क्वेश्चन में मिनिमम रैंक सात थी और सात का जो नेचर है वो ऑड है इसीलिए जो मैक्सिमम रैंक आपको दी गई थी क्वेश्चन में यानी कि जो बड़ी वाली है वही आपका आंसर है तो मैक्सिमम सोलह है ना तो मैंने अपना आंसर सोलह कर दिया था मेरा आंसर मतलब मुझे ये सब कुछ नहीं करना

दाई और से तेरवा है ठीक है इफ रश्मि इज सिटिंग बिटवीन दम यदि रश्मि उन दोनों के ठीक बीच में बैठती है फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक द गिवन अरेंजमेंट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मिनिमम के लिए क्वेश्चन आएगा अगर मैक्सिमम आता है तो हम क्या करते छे प्लस तेरह प्लस एक और मतलब तेरह प्लस छ उन्नीस प्लस एक बीस तो बीस आंसर हो जाता है मेरा मैक्सिमम के केस के लिए है ना लेकिन हमसे क्या पूछा मिनिमम तो आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई इस व्यवस्था को दी गई इस बैठक व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए कम से कम कितने विद्यार्थियों की या बच्चों की आवश्यकता होगी ठीक है ये आपका क्वेश्चन है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे हम रैंक को देखेंगे ठीक है तो एक तो हमको छह दी गई एक हमको तेरह दी गई इन दोनों में जो छोटी वाली रैंक है बच्चों वो है सिक्सथ तो अगर छः छोटी रैंक है तो आप छः का नेचर देखो छः ऑड है कि इवन है ऑफ ऑफकोर्स इवन है तो अगर इवन है तो फिर हमको यहां पर देखना पड़ेगा है ना तो याद रखेगा कि अगर कभी भी इवन आपका छोटी वाली रैंक आपकी इवन होती है तो ऐसी कंडीशन में जो आपका आंसर होता है ना दैट इज हाइएस्ट रैंक ठीक है हाइएस्ट रैंक प्लस वन ठीक है तो आप क्या करोगे आप हाइएस्ट रैंक के अंदर एक जोड़ दोगे वो आपको आपका आंसर दे देगी ठीक है तो अब आप देखो हाइएस्ट रैंक यहाँ पर क्या थी हाइएस्ट रैंक आपकी तेरह तो तेरह में आप एक ऐड कर दो फोर्टीन फोर्टीन इस सवाल का जवाब है ठीक है अब मैं आपको चौदह पे इस क्वेश्चन को करके भी दिखाता हूँ देखो पहले वाले के लिए हमने आंसर कर दिया अपना सिक्सटीन ठीक है मिनिमम क्या है सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन जो था वो मिनिमम था और मैक्सिमम आई गेस हमने निकाला था ना मैक्सिमम आई गेस चौबीस आया था यस चौबीस साइज सवाल के लिए हमारा मैक्सिमम आंसर ठीक है अगले वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से इसको रब करते हैं और मैं आपको अगला वाला क्वेश्चन फुल डिटेल में समझा रहा हूं बना के ठीक है हमें आंसर पता है कि आंसर क्या होने वाला है बताइए आंसर होने वाला है जो बड़ी वाली रैंक है उसमें एक जोड़ के मतलब फोर्टीन आंसर होगा ठीक है अब आप देखो ध्यान से मैं यहाँ पे गिनती के चौदह लोग बनाऊंगा तो ध्यान से आप समझेंगे तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह मैंने चौदह लोग गिनती के बनाती है ठीक है अब आपसे कहा गया छठी है आरती कहाँ से लेफ्ट से देखो गिनो एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है तो ये जो प्लेस वैल्यू है ये आरती की है और ये कहाँ से बताओ ये लेफ्ट से है फिर हमसे क्या कहा गया फिर हमसे ये कहा गया कि प्रिया जो है वो थर्टीनथ है राइट से मैंने गिनती के चौदह बनाए हैं जब आप राइट से गिनोगे तो ऑफकोर्स ये वाली जो वैल्यू होगी ठीक है ये तो फोर्टीनथ है वहां से गिनते समय ये थर्टींथ बन रही होगी है ना तो ये थर्टींथ वैल्यू है ये किसकी बताइए ये प्रिया की है और क्या बोला गया था हमसे बोला गया था कि जो रश्मि है वो उन दोनों के बीच में बैठी है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी कि अगर किसी पर्सन को दो लोगों के बीच में बैठना है तो उन दोनों लोगों के बीच में ऑड प्लेसेस होने चाहिए है ना विषम होने चाहिए अगर सम हो गए तो नहीं बैठ पाएगा ठीक है अब आप गिनो इस पर क्या विषम है तो जब आप गिनोगे तो आप कहोगे सर एक दो और तीन तो बिल्कुल ऑड है ना तो यहाँ कौन बैठ जाएगा बताओ यहाँ रश्मि बैठ जाएगी ठीक है और जैसे रश्मि बैठेगी हमारा जो अरेंजमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है मतलब हमें कितने लोग चाहिए हमें फोर्टीन लोग चाहिए और मिनिमम हमारा आंसर हो गया फोर्टीन फोर्टीन लोगों का यूज करके हम अपने अरेंजमेंट को बना लेंगे मिनिमम के केस में और अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम में क्या करेंगे बताइए मैक्सिमम में तेरह प्लस छः उन्नीस और एक अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो मैक्सिमम के केस में आपका आंसर होगा बीस तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे ठीक है अब आप देखो इन दोनों ही डायग्राम्स में पहले वाले में पांच लोग आ रहे थे बीच बीच में 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 इस वाले में बीच में तीन लोग आ रहे हैं तो ओनली वाला केस नहीं है ये ठीक है ओनली वाला केस क्या होगा अगला वाला होगा तो हम ओनली के केस में बात करेंगे ठीक है लेकिन टाइप नंबर पांच में ठीक है चलिए इसको रब करते हैं और अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ठीक है लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए इन अ रो ठीक है एक पंक्ति है जिसमें कहा गया कि करण इज एट फ्रॉम द फ्रंट एंड एक पंक्ति में करण का सामने से आठवां स्थान है ठीक है सामने से आठवां स्थान है एंड नेहा इज टेंथ फ्रॉम द बैक एंड तथा उसी पंक्ति में जो नेहा है ठीक है नेहा का दसवां स्थान है बैक एंड मतलब पीछे से ठीक है दसवा नेहा का पीछे से दसवां स्थान है फिर कहा गया कि इफ दीपक सिट समवेयर बिटवीन दैम यदि दीपक उन दोनों के बीच में बैठता है ठीक है समवेयर बिटवीन दैम यहां पे लिख देंगे समवेयर इफ दीपक सिट्स समवेयर यहां पर आप इसको यहां लिख लो एग्जैक्टली बिटवीन दम ठीक है एक वर्ड लिख लीजिएगा एक्जैक्टली इफ दीपक सिट समवेयर एक्जैक्टली बिटवीन दम बिकॉज मिडिल में होना जरूरी है समवेयर का मतलब पता है क्यों होता है समवेयर में फिर वो कहीं भी बैठ सकता है है ना लेकिन हम यहां पे एक्जैक्टली exactly बिटवीन की बात कर रहे हैं यानी कि मिडिल की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये वर्ड मिसिंग था यूज कर लीजिए ओके फिर कहा गया फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक द गिवन अरेंजमेंट सेम क्वेश्चन है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे देखेंगे कि दोनों रैंक में छोटा कौन है तो देखिए आठ और दस में छोटा कौन है तो ऑफकोर्स आठ है है ना तो अगर आठ छोटा है तो हमारा जब आंसर जो है छोटे रैंक का नेचर क्या है

तो उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं और ये जो पूरा जो मैंने आपको ये ट्रिक समझाई है ये आपको समझ में आ गई होगी ठीक है और इस ट्रिक की हेल्प से हमने उन क्वेश्चन को करना सीख लिया है जिनमें हमसे ये कहेगा कि कोई दो पर्सनस हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट हमें रैंक दी जाएगी और साथ ही साथ में हमको ये भी दिया जाएगा कि कोई एक पर्सन है जो उन दोनों के बीच में कहीं पर बैठता है ठीक है लेकिन उससे ज़्यादा लोग भी उनके बीच में बैठ सकते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने करना सीख लिया अगले वाले पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ओनली के केस के साथ डिस्कशन करूंगा आपके साथ ठीक है तो उस वाली वीडियो में हम उसको समझेंगे ओके तो इस वीडियो में इतना ही है थैंक यू गुड लक प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो है ना इसको प्लीज़ शेयर करो इस कोर्स को शेयर करो और जितने भी बाकी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताओ कि इस तरह का कोर्स चल रहा है ताकि वो भी अपने एग्जाम्स को ठीक है टारगेट कर पाएँ अच्छे से और उसके लिए पढ़ पाएँ और फिर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें ठीक है तो थैंक यू गुड लक कीप स्टिंग